स्क्वायर, रिमेम्बर? तो अगर हमारे पास हमें किसी पॉइंट बाहर पॉइंट पे निकालना होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर मुझे सरफेस पे निकालना होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये कौन है? ये आर्यन भटोरिया। तुम्हारी साइड से आवाज आई थी अभी। ये मैं तो देखो अकेला सारी चीजें बैठा हूँ रिकॉर्ड हो रही भाई। है, अगर रिकॉर्डिंग में ये सब चीजें पाई गई तो ध्यान रखना एक्शन हो जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर है। हाँ सर। और अगर इनसाइड दी स्फीयर होता है, इनसाइड दी स्फीयर के अंदर जीरो आता है, तो इस वाले टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है सिस्टी, तो अगर इस स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसे क्या बोलेंगे आप? बता सकते हो? पता कैसे चलता कौन? अच्छा यहाँ से पता चलता न्यूट्रल होगा ना वो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नहीं भाई, प्रोटॉन्स। तो इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कैसी बातें कर रहे हो? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अच्छा अंदर क्या होता है? अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है स्फीयर के, तो अगर हम स्फीयर के अंदर जाएंगे, इनसाइड जाएंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नहीं आई थी, तो इसी को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कुछ समझ में आ रहा है रितेश? कैन यू हेयर माई वॉइस? तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी पॉइंट बाहर लेता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी के क्यू बिल्कुल बाय आर स्क्वायर। अब देखो उसी चीज के लिए अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूंगा, तो पोटेंशियल में मेरा क्या होता है? के क्यू बाय आर होता है। के क्यू बाय आर का मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही मेरे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अगर मैं सरफेस पे देखूंगा तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना आता है? के क्यू बाय कैपिटल आर। लेकिन जब मैं इनसाइड जाता हूं तो देखो हमेशा ध्यान रखना, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल जीरो होता है। जैसे मान लो बाहर बिजली कड़कती है। हाँ सर, सर सर एक बार बोर्ड पे बना दोगे? ऐसे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मतलब बोर्ड आप पे स्फेयर पे स्फेयर के बारे में बता रहे हो ना, तो बोर्ड पे लिख के बता दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल मैं रहे बोर्ड हो। पे ही तो लिख रहा हूँ। कहाँ लिख रहे बोर्ड हो? क्या किसी को बोर्ड नहीं दिख रहा? दिख रहा सर, व्हाइट बोर्ड वंशिका, ये दिख रहा वंशिका एक बार रिफ्रेश करो। होगा। वंशिका जो मैंने सर एक बार आगे लिख रहे हो, स्टेटमेंट, पीछे तो कुछ लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा। एक बार एक बार एक पीछे बार नहीं फिर से लिखा जरा कुछ, एक बार स्क्रीन जरा पे फिर लिखा से है। जूम ऐप खोलो और फिर से उस पर क्लिक करके आओ क्लास के अंदर। तेजल, ये तेजल, तो प्राइवेट। बिल्कुल आवाज नहीं, यस बिल्कुल आवाज नहीं। सर, एक सेकेंड, क्या बोर्ड किस किस को नहीं अरे दिख रहा है? एक बार जरा बताओ चैट बॉक्स पे, बोर्ड किस किस को नहीं दिख रहा है? ये बोर्ड समझ रही थी आपके पीछे है। अरे यार, अरे भाई स्क्रीन पर देखो यार, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ये इतनी बड़ी स्क्रीन है। दिख गई ये बात है। दिख रही है ये भदोरिया ठीक है, तो मैंने क्या बोला है? अगर हम कौन बाहर निकालते हैं तो के क्यू बाय है? आर स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय करूंगा स्मॉल आर। तेजल तुम्हारी आवाज आ रही है। सर, सरफेस पे निकालते हैं तो के क्यू बाय अच्छा कैपिटल आर स्क्वायर, और पोटेंशियल भी कितना होता है? के क्यू बाय आर। इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही इनसाइड भी पोटेंशियल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल मेरा बाहर होता है। ओके सर, ये तेजल क्या बोल रही है? आवाज कहां से आ रही है यार धीरे करके? तो अब अगर मुझे एक ग्राफ बनाना होगा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई भी स्फीयर है, तो अगर ये मैं इस तरीके से बनाऊं, मान लो ये एक स्फीयर है और ये इसको मैं सेंटर से लेके एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं ऐसे, तो यहां से लेकर यहां तक ये तो रेडियस ही हुआ, और ये मेरे पास एक वो पॉइंट हुआ जहां पे मैं निकालना चाह रहा हूं। तो देखो मेरे पास दो टाइप के ग्राफ आते हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए, तो देखो ये जो पॉइंट है, ये जो इस तरीके से पॉइंट आ रहा है, क्या मैं इस पॉइंट पे क्या बोल सकता हूँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्यों? क्योंकि ये अगर मुझे सरफेस पे निकालना है तो वही डिस्टेंस मेरा रेडियस बन जाएगा। अरे भाई ये स्मॉल आर का मतलब है जिस डिस्टेंस पे तुम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो ये कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यों बन जाएगा, क्योंकि यही रेडियस है और इसी पॉइंट पे हमें निकालना भी है। अच्छा तो इस यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो सर, यस सर। तो अब ये जो अंदर की बात है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर मेरा कैपिटल आर से बड़ा है इतने डिस्टेंस के अंदर, इस पॉइंट के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, और अगर मैं इस स्फीयर के बाहर देखूं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? स्फीयर को देखते ही मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई आती ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो 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 जीरो। लेकिन सरफेस पे एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, एम आई राइट? एम आई राइट भाई? सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आती है, और फिर जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कम हो जाएगी इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाता हूँ स्फीयर के लिए, डिस्टेंस के लिए, तो मेरे पास कैसा ग्राफ आता है, अब तक जीरो, जैसे ही सरफेस आएगा और फिर इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब इतना तो हो गया, लेकिन अगर मुझे बताना हो पोटेंशियल, ये भटोरिया और ये भटोरिया, तुम्हारी साइड से कंटिन्यूअसली आवाज आ रही है, अपनी आवाज को म्यूट रखो। तेजिल तुम्हारे घर से आवाज आ रही है? सर आदित्य घर पे, आदित्य घर कुछ कर रहा है, घर से आ रही है। आदित्य भाई क्या कर रहा है तू, रुक जाओ अभी, अब करो जो करना है। अब ऐसी अगर मैं पोटेंशियल का देखूंगा तो पोटेंशियल मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने तिजल को ब्लॉक किया और आवाज एकदम चली गई और आदित्य के घर से आ रही है, वेरी गुड। ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरा डिस्टेंस है, सारी रिकॉर्डिंग हिमांशु सर देंगे, फिर मेरे को ब्लेम मत करना। अब मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्फीयर के अंदर होता है तो वो जीरो होता है, इसलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर भी होता है, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना यार, समझ में आया? तो पोटेंशियल अंदर से लेके बाहर तक बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन अगर तो सरफेस से दूर जाओगे तो वो डिक्रीज करेगा, समझ में आया? इसका मतलब पोटेंशियल के लिए मेरे पास कैसा ग्राफ बनता है, इस तरीके से। तो कोई डाउट है इसके अंदर? यस सर, जो पोटेंशियल ग्राफ होता है मतलब वो डिक्रीज करना शुरू करता है। अरे भाई अगर तुम स्फीयर से दूर जाओगे तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे पोटेंशियल हो, वो दोनों ही डिक्रीज करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए पोटेंशियल हमेशा उतना ही रहता है जितना सरफेस पे रहता है। देखो ये वाला पॉइंट जो है वो सरफेस वाला पॉइंट है, दिख रहा है ये वाला ये तो जितना सरफेस पे रहता है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी रहता है। तो देखो वैल्यू एकदम सेम है या नहीं, मान लो ये वैल्यू 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ सरफेस पे 5 है लेकिन अंदर तो 0 है। तो अगर मान लो मैं घर में बैठा हुआ हूँ और बाहर बिजली कड़क रही है तो मेरे घर के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है। लेकिन क्या पोटेंशियल है? बिल्कुल है, जितना पोटेंशियल मेरे सरफेस पे आ रहा होगा उतना ही मेरा अंदर भी है। समझ में आया मैंने क्या बोला है? यस सर, यस सर। तो अक्षत, अगर मेरे पास एक स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल होगा? अगर मेरे पास अंदर मैं एक पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूं तो मेरे पास कितना पोटेंशियल होगा, जितना पोटेंशियल, अरे अभी तो बताया जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होता है। सरफेस पे जितना होगा, हाँ। तो तभी ये ग्राफ देखो ना यार, देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो सरफेस के अंदर जितना होगा उतना ही अंदर भी होगा। अच्छा दीक्षा, दीक्षा क्या हो गया भाई लोगों को,
सृष्टि सृष्टि यस सर हाँ सृष्टि में मेरे पास एक स्फेयर है और स्फेयर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ठीक है इस स्फेयर के ऊपर सरफेस पर तो अब अगर मुझे इसके अंदर एक पॉइंट है पी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेम होगी जो सरफेस पे वही अंदर होगी अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल पोटेंशियल होगा सॉरी वेरी गुड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है पोटेंशियल सरफेस जितना होता है किसी कोई डाउट है इसके अंदर यस सर नहीं ओके तो ठीक है तो देखो मैंने बस एक सिंपल सी बात बताई है सरफेस के बाहर दोनों ही चीजें डिक्रीज करती है पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता है सरफेस पर दोनों चीजें मैक्सिमम होती है सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं लेकिन पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे होता है ठीक है किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है नो सर ठीक है अब ये बहुत बार जैसे हमने ग्राफ बना दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ये हमारे पास ग्राफ है ठीक है अब अगर मुझे बताना हो देखो सर हाँ हाँ सर आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं क्या नहीं इससे भी प्रीवियस स्लाइड पे एक बार स्क्रीनशॉट लेना था क्योंकि वो मिस हो गया था आवाज हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वेट अ सेकंड यार वो डिलीट हो गया अब तो ठीक है सब हाँ बाद में देख लूंगा हाँ रिकॉर्डिंग में आ जाएगा रिकॉर्डिंग में देख लेना ठीक है अच्छा हाँ, अगर हाँ, अगर हाँ, दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूँ तो देखो अगर मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी हो जैसे कि मान लो एक सेकेंड अच्छा तो मैंने अभी कौन कौन सा दिखाया एक मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ दिखाया राइट तो सरफेस पे दोनों ही चीजें क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है एम आई राइट यस सर तो अब इसी तरीके से अगर मैं ये ग्राफ दिखाना चाहूँ देखो बस मैंने पहले भी कुछ नहीं लिखा था बस मैं ये शो करना चाह रहा हूँ तो आई होप सबको इसके अंदर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये वाला ग्राफ शो करूं एक सेकेंड जस्ट वन सेकेंड यस तो देखो ये दिख रहा है सबको शेयर स्क्रीन दिख रही है नई स्क्रीन दिख रही है यस सर नो सर अपने राइट साइड को थोड़ा थोड़ा जूम करो अपने राइट साइड पोर्शन को जूम करो एक ग्राफ दिख रहा है यस सर यस सर दिख गया यस सर देखो ये मेरे पास की एक चार्ज बॉडी थी अभी यही तो समझाया एक चार्ज बॉडी है यस सर तो अंदर की साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई है अंदर की साइड लेकिन क्या पोटेंशियल जीरो आया है नहीं पोटेंशियल देखो उतना ही जितना ही सरफेस पर है जितना पोटेंशियल ये वी का मतलब पोटेंशियल जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी है राइट और मेरा क्या फॉर्मूला बोला के क्यूब आई आर का मतलब क्या होता है के का मतलब 1/4πε0 ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं के का मतलब क्या होता है 1/4πε0 और देखो अब जितना दूर तुम इस स्फीयर से जाओगे जितना दूर तुम इस स्फीयर से जाओगे उतना ही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जाएगी और पोटेंशियल भी कम होता जाएगा एम आई राइट कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर नो सर एनी सिंगल डाउट है ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो रहा होगा ठीक है भाई तो नाउ भाई जिसको आवाज नहीं देनी है एटलीस्ट वो चैट का यूज कर सकता है ओके माइक इज नॉट वर्किंग तो कोई बात नहीं दूसरे फोन से एक बार ट्राई कर लो दीक्षा एक बार जरा उसको बोल दो कि अब दूसरा फोन या फिर लैपटॉप या फिर कोई दूसरे फोन से ट्राई कर ले ठीक है भाई ये वाला सबने उतार लिया कोई दिक्कत तो नहीं है
एक मिनट आदित्य राय तुम ये किसकी फोटो दिखा रहे हो ये तो तिजल है वेरी गुड दोनों एक साथ ही मिलते हो कहीं पे भी मिलते हो ठीक है भाई अब देखो अब ना हमारे पास एक पोर्शन आता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारे पास पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है हम क्या 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 रिलेशन है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है अच्छा स्कूल में क्या चल रहा है भाई यस स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स के अंदर सर सेमीकंडक्टर बस सर वर्क टॉर्क चल रहा है टॉर्क अच्छा मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर टॉर्क तो दोनों में ही है फर्स्ट चैप्टर अच्छा फर्स्ट ही चल रहा है ठीक है मतलब हम आगे चल रहे हैं अभी ठीक है सर खत्म कर दिया उन्होंने सेमीकंडक्टर आज सेमीकंडक्टर का अरे सेमीकंडक्टर का तो बहुत सारा पोर्शन कट चुका है वो तुम्हारे स्कूल वाले क्या कर रहे हैं नंबर बढ़ा रहे हैं चैप्टरों के इजी से चैप्टर पहले करवा के देखो अब हमारे पास क्या है अब अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो तुमको एक चीज दिखानी एक चीज होगी अब वो मेरे पास क्या है अगर मान लो मैं एक चीज तुम्हें दिखाना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मेरे पास ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मेरे पास होगा तो उसके अंदर क्या करना है कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है मान लो तो तुम्हारा कोई भी एक चार्ज पार्टिकल होगा तो तुम उस चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हो लेकर आ रहे हो किसी दूसरे वाले पॉइंट से हेलो मेरी वीडियो दिख रही है सबको नो सर हाँ जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है तो उस एक चार्ज पार्टिकल को तुम इनफाइनाइट पॉइंट से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आ रहे हो ठीक है तो अगर एक इनफाइनाइट पॉइंट से तुम एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को लेकर आ रहे हो तो अब देखो पोटेंशियल हमेशा किसकी वजह से होता है कोई बता सकता है यूनिट चार्ज की वजह से या पोटेंशियल चार्ज की वजह से यस पोटेंशियल हमेशा सोर्स चार्ज की वजह से होता है या फिर एक छोटे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है सोर्स चार्ज Yes, of course. हर चीज सोर्स चार्ज की वजह से तो होती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ये हर किसी को इन्फ्लुएंस करेगा हर किसी को अफेक्ट करेगा राइट तो इसकी वजह से कोई भी पॉइंट अफेक्ट हो सकता है अब एक बात बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही होगी या इसके टूवर्ड्स आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जा रही होगी या इसके टूवर्ड्स आ रही होगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अवे होगी राइट अब मान लो तुम्हारा एक कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है छोटा सा अब वो अगर आ रहा है राइट अगर मैं उसे लेकर आ रहा हूं तो मान लो एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है राइट अच्छा अगर मैं इसके पास जा रहा हूं एक लड़की ये कोई अच्छी सी चीज है ठीक है और ये एक पर्सन है दूसरा वाला तो ये अगर इसके पास जा रहा है तो बताओ पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या कम होगा मान लो अक्षत है अक्षत की मान लो बेस्ट फ्रेंड है वो हिमालय में रहती है सपोज कर लो तो अक्षत अगर चेरी काउंटी से निकला है तो चेरी काउंटी से अगर निकला है तो थोड़ा कम अफेक्ट होगा जैसी ग्रीन आंख में आएगा थोड़ा और इफेक्ट होने लग जाएगा और जैसी हिमालय पैडी गिरी पहुंचेगा बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लग जाएगा राइट क्योंकि वो मिलने वाला है समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज के पास जाएगा तो बताओ पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा वेरी गुड Yes, तो ये A से लेकर B मान लो ये A से अब जब ये जा रहा होगा तो एक पॉइंट आया होगा A से लेकर B तक तो A से लेकर B तक मान लो ये छोटा सा डिस्टेंस है ये क्या है मेरे पास dr एक छोटा सा डिस्टेंस चला है अच्छा मान लो A पर पोटेंशियल कितना था V तो B इस B पे छोटे से डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल बन गया होगा कैन आई से V प्लस का dv भाई पोटेंशियल बढ़ गया ना नहीं आया समझ अरे अगर यहाँ पे पोटेंशियल था तो यहाँ पे कितना हो गया 5.2 5.3 इस तरीके से समझ आया वेरी गुड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है लेकिन पोटेंशियल इस तरीके से ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ यार ये अब चार्ज है और हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा ये यूनिट ये सोर्स चार्ज है और हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है रिपेल कर रहा है तो अब तुम्हें एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बताओ क्या फोर्स लगता है जब भी फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना हो तो क्या फोर्स लगता है कोई बता सकता है क्विकली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वेरी गुड शाबाश वही तो है क्यू से तो अब फोर्स इधर लग रहा है लेकिन हम इसकी मूवमेंट को इधर लेकर आ रहे हैं फोर्स लग रहा है इधर की साइड लेकर हम इसे इधर आ रहे हैं तो कैन आई से दैट फोर्स वुड बी इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट माइनस क्यू
यस, कोई डाउट है यहाँ तक? तो वी नो दैट, और ये हम ये सोर्स चार्ज नहीं लेते हैं, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा होता है वो वाला चार्ज लेते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जिस पे लग रहा है वो वाला चार्ज लेंगे ना, जिस पे फील हो रही है, जिस पे बीत रही है उसका फोर्स लेंगे। मान लो कहीं पे ट्रांसफॉर्म फूक गया और एक लड़का थोड़ा सा हल्का सा उसका हाथ जल गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका हाथ कितना चला है? अरे जितना उसका हाथ चला उतना ही तो चला होगा, हम ट्रांसफॉर्मर थोड़ी लेंगे, ट्रांसफॉर्मर ने तो और लोगों को भी इफेक्ट किया था, लेकिन हमें तो अपने बच्चे से मतलब है, हमें तो अपने भाई बहन से मतलब है, समझ में आया? तो जिस पे बीतती है वो, तो इसलिए हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, कितना फोर्स लगा इसके ऊपर जितना टेस्ट चार्ज पे लगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हें पता है ये कौन यूज कर रहा है? प्रियांशु ध्यान रखो थोड़ा। मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ यार, मेरे को सब पता लग जाता है इसमें, सब रिकॉर्डिंग में सब ऑप्शन दिखा देता है कौन क्या यूज कर रहा है। अच्छा अब अगर मैं करूं वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डीआर, फोर्स इनटू में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का अभी मैंने कर ही लिया, कितना निकल के आया फोर्स देखो फिर से क्यू नॉट ई, और ये मेरे पास क्यू ई, ई का मतलब क्या है? ई का मतलब तो ई, जैसे क्यू ई लिख दिया मैंने, और ये इनटू में डीआर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कौन यूज कर रहा है? क्लास चल रही है ना, तो एफ डॉट डी आर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस का क्यू नॉट ई डी आर। अच्छा तो ये तो मेरा फोर्स निकल के आया, अगर मुझे निकालना हो कि अगर मुझको वर्क डन, एक सेकंड देखो, तो मेरे पास फोर्स ना निकल के आ चुका है क्यू नॉट ई इनटू डी आर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये निकालना हो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, एक और चीज की तुम्हें क्या पता है? जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? क्यू इंटू वी, याद आया? वही अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, याद आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन? अरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है? यस सर। v अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और ये पोटेंशियल को मैंने क्या बोला था? अगर दो पॉइंट दे रखे होते तो क्या लेके चलते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस v को मैं क्या बोल सकता हूँ? वी बी माइनस वी ए, राइट? पोटेंशियल का मतलब क्या है कि यहां से लेकर कितने का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब अब ये अगर मैं W निकालना चाहता हूं तो W क्या हो जाएगा मेरे पास? W की जगह पे W नॉट, और V की जगह पे क्या आ जाएगा? VB माइनस VA। भाई यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा VB माइनस VA किसके बराबर होगा? देखो V में से V प्लस DV में से V माइनस हुआ तो क्या बचा? V प्लस DV में से ये वाला पोटेंशियल माइनस हुआ तो क्या बचा? अरे पागलो मुझे एक बात बताओ यार, इस बी पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ये, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल ये है, तो दोनों का डिफरेंस कितना बचा? डीवी, डीवी, डीवी बचा ना, तो कैन आई से डीवी इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों का डीवी तो इंक्रीज हुआ था, राइट? तो एक वर्क डन मेरे पास आ गया क्यू नॉट डीवी, और एक वर्क डन आ गया मेरे पास ये वाला माइनस का क्यू नॉट ई इंटू में डी आर, राइट? तो मेरे पास ये दो वर्क डन है, क्या मैं दोनों वर्क डन को इक्वेट कर सकता हूँ? क्या मैं दोनों वर्क डन को इक्वेट कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? अच्छा तो इसे मिटा दूं एक सेकंड के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं, तो इसका मतलब हाँ, दोनों को ये इक्वेशन नंबर वन है मान लो, ये इक्वेशन नंबर टू है, तो अगर तुम दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, राइट? तो Q0 से Q0 कट हो जाएगा, am I right? Q0 से Q0 मेरा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? तो अब क्या बचेगा? E is equal to, अच्छा माइनस साइन भी है ध्यान रखना, माइनस का dv by dr आ जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो चीज चेंज होती है। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होगा? डी बाई डी आर। अगर मैं तुमसे बोलूं मान लो कि कुछ भी पॉइंट में, अगर तुमसे बोलना मान लो कैपेसिटेंस है मान लो, या मैं तुमसे करंट बोल रहा हूँ करंट ग्रेडियंट, तो क्या बोलोगे? डी आई बाई डी आर, ठीक है? समझ आ रहा है? तो जिस भी चीज का ग्रेडियंट हम लेते हैं तो इसका मतलब वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर का काम भी नहीं कर रहा। क्या क्या बोला स्नेहा?
नहीं सर आपसे नहीं बोला सर, वो भैया से बोला, ईयरफोन खराब है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 6 मिनट बचे हैं, फिर पढ़ाओगे क्या इसके बाद? हाँ लिंक मिलेगा। तो E is equal to क्या हो जाएगा? dv by dr हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब लिखो इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है? और इसी को हम क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो ध्यान रखना, चेंज ऑफ पोटेंशियल, कितने डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होता है, तो इट इज E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ठीक है? किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, गुड। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलना चाहूं तो देखो हमने इतना तो उतार ही लिया होगा, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। यस यस सर। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग yes, जो मेरा फॉर्मूला निकल गया है E dv बाई dr, तो उससे क्या मैं v निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो v कैसे निकल के आएगा देखो, अभी तुमने क्या देख लिया, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का dv बाई dr होता है, राइट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना चाहूंगा, पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है, पोटेंशियल स्केलर होता है, इसलिए मैं v के ऊपर कोई साइन नहीं लगाऊंगा। तो अगर मान लो ये तो छोटा सा d है, अगर मान लो मुझे dv निकालना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल टू माइनस का e इंटू dr, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बच्चों? बिल्कुल। अभी तो छोटा सा पोटेंशियल है, अगर मान लो मुझे इसे ये, अगर ये चेंज हो रहा है वन एरिया टू अदर एरिया, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो ये पक्की बात है, v1 से लेके v2 तक चेंज हो रहा होगा, और ये डिस्टेंस भाई दूसरे डिस्टेंस पे पहले डिस्टेंस पे जा रहे होंगे, मतलब पहले से दूसरे, दूसरे से पहले, तो ये डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज होगा, राइट? तो ये क्या बन जाएगा भाई, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस बाहर आ जाएगा, राइट? और अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एम आई राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही आएगी, या इसको बस ये तो मैं ऐसे लिखना है डायरेक्टली कि अब हम इसे क्या क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर तुम इसे लेके जा रहे हो आर वन से लेकर आर तक, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। किसी को कोई डाउट है? तो ये एक और फॉर्मूला है। अच्छा, पोटेंशियल को हम हमेशा कहां से कहां तक डिफाइन करते हैं, कितने डिस्टेंस से कितने तक करते हैं, कोई बता सकता है? अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम हमेशा कहां से लेकर कहां तक लेकर आते हैं? इन्फिनिटी से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। यस सर, सोर्स ऑफ इन्फिनिटी से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, जहां पे मैं पोटेंशियल निकालना है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट, इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट, राइट? और ये बन जाएगा e डॉट डी आर। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? यस, किसी कोई डाउट है इसके अंदर? पूरा तो सॉल्व कर दो सर, आधे में। अरे पूरा सॉल्व नहीं होगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या पूरा सॉल्व करोगे, ये रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ये कोई सॉल्व नहीं करता है, इस पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रियांशु, ठीक है? कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है भाई, ठीक है, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो 5 मिनट का ब्रेक क्यों, कंटिन्यू करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट ब्रेक ले लो, लिंक बनाना पड़ेगा ना दूसरा।